आप देखे होंगे जब राम जानकी मैं बनवा रहा था, सुग्रीत कराया था, उसी समय इन्होंने कहा कि राम जानकी मार्ग का उद्घाटन इन्होंने कर दिया और आज फिर उसका फीता काट के उद्घाटन करें बिना सेंक्शन के। दूसरा, रिंग रोड के बारे में बहुत पहले से ये लोग लगातार घोषणा कर रहे हैं रिंग रोड में बनाऊंगा, लेकिन जब चुनाव करीब में आ गया फिर इन्होंने घोषणा कर दिया कि आके मैं उद्घाटन करूंगा, उद्घाटन करके चले गए। रिंग रोड बनाने में, बस्ती का सर्वे कराने में, DPR बनाने में, किसानों का मुआवजा देने में इनको कम से कम 4-4.5 साल लग जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि जब अगली जब विधानसभा आएगी, ये न्यू डाल रहे हैं कि अगली विधानसभा आएगी तो फिर मैं घोषणा करूंगा अब काम शुरू करूँगा। केवल बस्ती को झूठ और फरेब में फंसा करके चाहते हैं बस्ती के लोगों को फिर गुमराह कर दें, लेकिन बस्ती के लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं, क्योंकि बस्ती का चाहे किसान हो, यही गन्ना फैक्ट्री है, देख रहे होंगे बस्ती की, यही गन्ना फैक्ट्री है वाल्टरगंज की, लाखों लाख किसान इससे लाभ पाते हैं और लाखों लाख किसान नौजवान इससे रोजगार पाते हैं सारे चीज़ों पर। उसके बाद भुगतान इतने बड़े पैमाने पे 1.5 साल का भुगतान बाकी है, किसान मर रहा खाए बगैर, जूता देखे होंगे अभी पॉलिश कर रहे थे किसान बैठ के सब, तो इनको इसकी चिंता नहीं है, केवल इनको बस बोलने की चिंता बीमारी है। ये बोल के चले जाते हैं और उसी ऐसे चश्मा लगा के चले जाते हैं कि लोग उसी चश्मे से देखें और भूखे पेट सोते रहे। बस्ती जिले में 70 सालों मेडिकल कॉलेज नहीं बना था, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। बस्ती जिले से कोई ट्रेन नहीं चली थी, ट्रेन चल रही है। राम जानकी मार्ग, रिंग रोड, टांडा से लुम्बिनी की सड़क लगभग बन करके तैयार है, तो विकास इसको कहते हैं। बाकी किसानों का भुगतान बकाया था बहुत ज़्यादा दूसरी सरकारों में, हमारी सरकार ने लगभग 85% कर दिया, 15% बचे हैं कुछ वाल्टरगंज कुछ रुधौली का, वो भी जल्दी हो जाएगा। हमारी सरकार ने आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा सांसद जी, मतलब ठोस आश्वासन कोई नहीं मिल रहा है सरकार ने? आश्वासन देखिए, आश्वासन मैं दिया हूँ, जिलाधिकारी के साथ बैठ करके कई मीटिंग हम लोग कर चुके हैं, सारे विधायक, भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी इसी कैंपस में इसी स्थान पर आए थे, अगर आपको याद होगा पिछले महीने 9 तारीख को मैंने मन से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि वाल्टरगंज सुगर मिल चलनी चाहिए, किसानों का भुगतान होना चाहिए, उस दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और सर, रिंग रोड की बात करें तो सपा के पूर्व मंत्री ने कहा है कि रिंग रोड सिर्फ चुनावी मुद्दा है, तो बनने वाला किसने क्या कहा उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, मैं विकास की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लोगों भ्रष्टाचार बंद हो गया है मोदी सरकार योगी सरकार में, तो लोग परेशान हैं, उनको लग रहा है कि हमारा भ्रष्टाचार बंद हो गया है।